हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय एंड आई होप आप लोगों को ये स्पेस के बारे में जानकारी मिली होगी। नहीं मिली तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में कई ऐसे रच छिपे हैं जिसे हम जैसे साधारण लोग नहीं जानते हैं। हम आपको ऑन स्पेस से जुड़ी 10 ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे, आपकी आंखें एकदम ऐसी हो जाएंगी। नंबर एक, अगर आपको लगता है कि स्पेस के बारे में हो रही घटनाओं के बारे में हमें पिछले कुछ दशकों यानी लास्ट फ्यू डिकेड्स पता चला है तो आप गलत हैं ब्रो, यू आर रॉन्ग। क्योंकि आपको बता दें कि गैलीलियो ने आज से 400 साल यानी 400 ईयर्स पहले टेलीस्कोप के माध्यम से स्पेस को देख लिया था। नंबर टू, आपने अधिकतर पानी को गर्म करते हुए देखा होगा, उसमें कई सारे ढेरों सारे बुलबुले उठते हैं, बट आप पानी को अगर स्पेस में गर्म करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बुलबुला दिखाई देगा जिसका शेप बड़ा होगा। नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि स्पेस पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नहीं बताया तो हम आपको बताते हैं। रूस की वैलेंटिना तेरेश्कोवा पहली महिला थी जिन्होंने स्पेस की यात्रा की थी। नंबर फोर, अंतरिक्ष में जाने के लिए तरह तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं जिसे हम आसान भाषा में अंतरिक्ष यानी स्पेस सूट कहते हैं। इस सूट की कीमत लगभग 12 मिलियन डॉलर होती है, यानी कि हमारे यहाँ की 75,24,05,400 रुपए के बराबर है, है ना महंगी। नंबर फाइव, हमें आसमान तो हमेशा नीला दिखाई ही देता है ना, बट जब इसे आप स्पेस में जाकर देखेंगे तो ये आपको काला दिखाई देगा। नंबर सिक्स, आज की युग में स्पेस में जाना उतना भी कठिन नहीं है, बट एक व्यक्ति ये इंसानों के लिए एक सपने जैसा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्पेस में सबसे पहले इंसान नहीं गया था, तो आखिर कौन गया था? आप लोग यही सोच रहे होगे ना, आखिर कौन गया था? तो स्पेस में सबसे पहले एक कुत्ता गया था, एक डॉग। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर सेवन, स्पेस ट्रेवलर हमेशा सफेद यानी व्हाइट कलर का स्पेशल सूट पहने देखा होगा। ये सूट हवा के दबाव को मेंटेन रखता है। अगर ये सूट फट जाता है तो अंतरिक्ष में यानी स्पेस में गए इंसान की मौत हो जाती है, दम घुटने से नहीं बल्कि शरीर के फटने से। नंबर एट, अमेरिका बम फेंकने में उस्ताद है। साल 1963 में अमेरिका ने स्पेस में एक हाइड्रोजन बम फेंका था जो कि हिरोशिमा फेंके बम की कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा डेंजरस था। नंबर नौ, पृथ्वी पर पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही सूर्य अस्त और सूर्य उदय होता है, बट इंटरनेशनल स्पेस केंद्र दिन भर में 15 बार सूर्य अस्त और सूर्य उदय होता है। नंबर 10 एंड लास्ट, जॉन ग्लेन दुनिया के सबसे ओल्ड एज पर्सन थे जिन्होंने स्पेस की यात्रा की थी जब वे 77 ईयर्स एज के थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।